बालों में मेहंदी लगाना किसे नहीं पसंद है, पर उसका जो सही तरीका है हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा हेयर पे वो मेहंदी का कलर नहीं आता है और हमारा हेयर जो है वो सिल्की शाइनी नहीं बनता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप कैसे अपना हेयर पे सही तरीके से मेहंदी लगा सकते हैं। और इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेहंदी में मैं कुछ ऐसा चीज़ ऐड करूँगी जो आपका हेयर में कलर तो ऐड करेगा ही मेहंदी के वजह से, साथ ही आपका हेयर को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी मैनेजेबल बना देगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये आल्प्स कूलनेस का डार्क ब्राउन नेचुरल हेना पाउडर। आप कोई सा भी हेना पाउडर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक लोहे का कढ़ाई, मेरे पास लोहे का नहीं है तो मैं ये वाला यूज़ की हूँ, और उसमें मैं ये हेना पाउडर को डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे पूरा पैकेट का हेना पाउडर यूज़ की हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो लंबे हैं। अब आपके हेयर का लेंथ के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे आधा कप चाय पत्ती का पानी। तो मैंने गर्म पानी में चाय पत्ती और आधा प्याज और आधा अदरक को अच्छे से डाल के अच्छे से उबाल ली हूँ, और उसका जो पानी है उसको छान के यूज़ कर रही हूँ। तो चाय पत्ती आपका हेयर में एक बहुत ही अच्छा कलर ऐड करेगा मेहंदी में मिक्स होने के बाद, साथ ही आपका हेयर में एक कंडीशनर की तरह ये काम करेगा। और अनियन मैं इसीलिए डाली हूँ, अनियन और जिंजर, आपको अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ये उससे कंट्रोल करेगा, और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ये उससे भी कंट्रोल करेगा। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाय पत्ती ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दही भी ऐड कर रही हूँ इसीलिए मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आधा कप कर्ड यानी कि दही, और मैंने यहाँ पे थिक कर्ड यूज़ किया है। और अगर आपका ड्राई हेयर है तो आप मेक श्योर आप दही का यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा ना आपके हेयर का जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाएंगे। अगर ऑयली हेयर है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मैं आप लोगों को लोहे का कढ़ाई इसीलिए यूज़ करने बोल रही हूँ, क्योंकि आप उसमें अगर मेहंदी को रखेंगे रात भर तो उससे क्या होगा ना मेहंदी में एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच के आसपास कोकोनट ऑयल लिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कोकोनट ऑयल डालने से आपका हेयर और भी ज़्यादा सिल्की लगेंगे। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल, ये भी ऑप्शनल है, और अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कीजिए। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मेहंदी तो हमारा बनके रेडी हो गया है, अब आपको इसको ओवरनाइट रखना है, उससे ही ये मेहंदी में अच्छा एक कलर आएगा। तो देखिए हमारा मेहंदी में कितना अच्छा है कलर ऐड हो गया है। आप इसको लोहे का कढ़ाई में भी अगर रखते हैं तो इससे और भी अच्छा कलर ऐड होगा। और मैं इसको ओवरनाइट अच्छे से ढक के रखती थी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हेयर को और भी ज़्यादा सिल्की बनाएंगे, शाइनी बनाएंगे, हेयर में कंडीशनर की तरह ये काम करेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ दो बनाना, और इसका छिलका निकाल लूँगी, और इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर ली हूँ। ध्यान रखिए आपको बिल्कुल इसको अच्छे से पेस्ट करना है। और ये जो बनाना का पेस्ट है इसको मैं डालूँगी
मैंने यहाँ पे 2 से 3 बनाना शायद यूज़ की हूँ, तो आप आपके हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कीजिए। बनाना आपका हेयर में कंडीशनर की तरह काम करेगा, सिल्की भी बनाएगा, इसीलिए मैं इसको यूज़ की हूँ इस मेहंदी के साथ। नेक्स्ट मैंने लिया है आधा नींबू। ये हमारा हेयर में बहुत ज़्यादा शाइनी प्रोवाइड करेगा हमारा हेयर को, इसीलिए मैंने आधा नींबू को अच्छे से निचोड़ ली हूँ और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से मेहंदी के साथ। और मेहंदी लगाने का जो सही तरीका है, आपको पहले दिन अपना हेयर पे मेहंदी को अच्छे से लगाना है, और मेहंदी लगाने से पहले आपको अपना हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपका हेयर गंदा है तो आप मेहंदी उसमें मत लगाइए। अगर 1-2 दिन का हेयर वॉश है तो फिर भी ठीक है, अगर ज़्यादा दिन का है तो आप अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए, हेयर को सूखने दीजिए, उसके बाद मेहंदी को अप्लाई कीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या करेंगे, आपको ऑयल लेना है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल में ऑयल अच्छे से लगाएंगे अपना हेयर पे, उसके बाद 1-2 घंटा के लिए रखने देंगे, उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर से हेयर को वॉश करेंगे। तो पहला दिन आपको लगाना है मेहंदी, 2-3 घंटा रख के वॉश करना है, नेक्स्ट डे ऑयल। तो अभी आप देख सकते हैं मैं मेहंदी अच्छे से लगा ली हूँ और इसको 2-3 घंटा के लिए रखूँगी, और उसके बाद खाली पानी से वॉश कर लूँगी और नेक्स्ट डे शैम्पू और कंडीशनर से हेयर को वॉश करूँगी। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, और मैंने मेरा हेयर में ऑयल लगा के अच्छे से हेयर को शैम्पू कंडीशनर से वॉश कर ली हूँ। तो अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, और आपको हेयर पे कलर 1 दिन में नहीं मिलेगा, आपको महीना में 2 से 3 बार मेहंदी यूज़ करने से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब की दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।